यूक्रेन पर रूस के तेवरों को देख अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कही थी। तो सैंक्शंस यानी प्रतिबंध होता क्या है? प्रतिबंध एक देश या देशों के समूह द्वारा दूसरे देश के खिलाफ लागू फाइनेंशियल और इकोनॉमिक दंड है। जैसे इस मामले में इसका मतलब ये हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस से कुछ सामानों के इम्पोर्ट को रोक दे। जिन देशों पर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको काफी गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है, जिससे इन देशों की जनता परेशान हो जाती है और अपनी सरकार से बदलाव की मांग करने लग जाती है। पश्चिमी देश रूस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? ये व्यक्तियों और संस्थानों दोनों के खिलाफ लगाए जा सकते हैं। कुछ छोटे रूसी बैंक्स पर पहले से ही प्रतिबंध है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिका कुछ रूसी और अमेरिकी बैंकों के रिलेशनशिप्स को टारगेट करने की योजना बना रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही अलगाववादी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिए हैं। यूके ने रूसी कंपनियों को अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड बैन करने की धमकी दी है। इससे उन्हें लंदन में फंड रेज करने से रोका जा सकेगा। एसेट फ्रीज और ट्रैवल बैन के जरिए भी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यूएस, ईयू और यूके में पहले से ही कई रूसी व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध हैं। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट द्वारा प्रस्तुत किए गए एक विधेयक का उद्देश्य शीर्ष रूसी सरकार और पुतिन सहित सैन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना है। एक नियम के रूप में प्रतिबंधों को मंजूरी देना और लागू करना आसान होता है। फाइनेंशियल संस्थानों और बैंकिंग या रक्षा जैसे पूरे क्षेत्रों के खिलाफ प्रतिबंधों में अधिक समय लगेगा। कार्नेगी मॉस्को सेंटर थिंक टैंक ने कहा कि 2012 में स्विफ्ट ने ईरानी बैंकों को डिस्कनेक्ट कर दिया और देश ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट टैक्स का 50% और अपने विदेशी व्यापार का 30% खो दिया। हालांकि सभी फाइनेंशियल प्रतिबंधों की तरह ये दोनों तरह से कटौती करता है। अमेरिका और जर्मनी इस तरह के कदम से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि उनके बैंक अक्सर रूसी बैंकों के साथ स्विफ्ट का उपयोग करते हैं। यही वजह है कि जर्मन बैंकों ने जोर दिया है कि कोई भी बैंकिंग प्रतिबंध सटीक और स्पष्ट है।